और आदित्य की जिंदगी में लौटेंगी खुशियाँ, अलग हो जाएंगे जोया और आदित्य के रास्ते। जी हाँ, आज जोया और आदित्य अपनी मर्जी से बदल रहे हैं अपने अपने रास्ते, लेकिन जोया और आदित्य को अपनी जिंदगी में इस बदलाव को रास्ता देने के लिए पहले बंद करने होंगे कुछ पुराने रास्ते। नदी किनारे बैठकर आज कुछ पुरानी यादों को जोया और आदित्य याद कर रहे हैं और इस वादे के साथ कि आज के बाद वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। कम शब्दों में कहें तो जोया और आदित्य नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। यश और पूजा से मिले धोखे से खुद को निकाल पाना यूं तो जोया और आदित्य दोनों के लिए ही काफी मुश्किल है, लेकिन एक दूसरे के अच्छे फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट बोलकर आज जोया और आदित्य अपनी अपनी राहें अलग कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं जोया और आदित्य से और उन्हीं से जानते हैं कि उनका पुरानी यादों को खत्म करने का सिलसिला कैसा चल रहा है। बारिश की वजह से खुशी है, हम लोगों ने बहा दिए हैं अपने आंसू। और बताओ आगे क्या हुआ है? और कुछ नहीं है, एक चैप्टर जो था, जो इतने टाइम से चल रहा था, वो एक खत्म करने की कोशिश हो रही है। और इसके बाद क्या होगा, एक नया, हम दोनों की लाइफ में एक नया चैप्टर खुलेगा एंड जानने के लिए देखिए बेपनाह मंडे टू फ्राइडे 9:30 PM।